बड़ा वर्कशॉप जैक्सन मोटर सेक्शन में आप लोगों को स्वागत। आज मैं बोलेंगे SMI 23 के बारे में। SMI 23 में बताया गया है कि एडिंग का फ्री रेडियल का चेकिंग के बारे में, जो नॉर्मली ऐसे फिलर गेज से किया जाता है। कुछ बैरिंग ऐसा है छोटा सा इसका, जिसमें ये जैसे डीप और डीप टू फॉर बैरिंग है, उसमें हम लोग एक फिलर गेज से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए SMI 23 ने एक ऑटोमेटिक मेथड बताया, जिसमें फिलर गेज का यूज नहीं करना है, जरूरत भी नहीं है। और ये तरीका बहुत आसान है, ऐसे एक मतलब छोटा मोटा अरेंजमेंट से हो जाता है, जिसमें हम लोगों को एक केबिल है, केबिल के ऊपर हम लोग एक M24 का बोल्ट लगाया है, और ये कुछ चीज लगता है ऐसे इस टाइप का, और एक नट लगते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कैसे फ्री रेडियल विदाउट फिलर गेज चेक कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। पहले हम एक इनर रेसर लिया है, इनर रेसर को ऐसे रखा है, रखने के बाद इसका आउटर रेस जो है, आउटर रेस ऐसे डाला गया है। मैं इसके एक MU 326 बेयरिंग लिया है, जिसका फ्री रेडियल कितना है चेक करेंगे। ये इनर रेसर के ऊपर जब आउटर रेसर डाल दिया है, डालने के बाद ये जो चीज है, ये एक ये 100 mm का एक टायर का एक गोल पोर्शन है, और उसके सेंटर में एक होल है, जिसके अंदर से ये घुस जाता है। उसके बाद एक एडिशनल जिग लगा दिया है, जिसके वजह से इसको टाइट करना जल्दी हो जाए। और ये M24 का नाप था, इसको ऐसे टाइट करना है ताकि इससे इनर प्रेशर बहुत अच्छे से टाइट रहे, हिलेगा नहीं। मैं प्रेशर देंगे तो, और सिर्फ आउटर प्रेशर हिलेगा। इस उद्देश्य से हम टाइट करेंगे, इसके बाद इसको हम टाइट कर देंगे, अच्छे से टाइट टाइट हो गया है। अभी हम लोगों को एक इस टाइप का डायल गेज देना है, निडिल गेज। ये निडिल गेज से हम लोगों को इसको ऐसे प्लेस करना है, ताकि हम इसको सीधा डायमेट्रिकली प्रेशर दे सके या की तरफ खींच सके। इसको इधर सेट करने के बाद ऐसे प्लेस करके पैकेट रन कर दिया है, उसके बाद हम सीधा डायमेट्रिकली मेरे तरफ इसको खींच लिया है। खींचने के बाद ये जो आउटर रेस है पूरा मेरे तरफ हो गया है। मैं इसी कंडीशन में इसको जीरो एडजस्ट करेंगे, इसको मेरे तरफ खींच के जीरो एडजस्ट कर दिया है। एक बार जीरो देखा दीजिए, ऐसे जीरो एडजस्ट हो जाने के बाद मैं अभी इसको सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश करेंगे। पुश करने के साथ साथ दिखाई देगा कि इसका डायल में एक रीडिंग आएगा। अभी इसमें एक डायल में रीडिंग आया है 0.018 mm। तो ऐसे दबाने से इसका रीडिंग 0.018 mm आया है। इससे पता चलता है ये बेयरिंग का, इस बेयरिंग का वी रेडियल 0.018 mm है। नमस्कार। आज